वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 27 नवंबर 2020 और इस मंथ का अभी वन डे का ही ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। इस डे के ट्रेडिंग सेशन के साथ में जो मंथली कैंडल है वो पूरी तरह से मंडे को फुल हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो कैंडल है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक का ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और इस वीक का जो कैंडल है वो पूरी तरह से बन चुका है। अब चलते हैं हम बजाज फाइनेंस के मंथली चार्ट पे और यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस पहले से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद हमें यहाँ से 4500 से एक करेक्शन देखने को मिला और जिस कोरोना करेक्शन की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आया 1870। उसके बाद इंटरमीडिएट एक रैली चली और फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला। ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मंथली डिमांड जोन है जो कि 3529 से लेके तो 3150 के रेंज तक का है और ये स्टॉक अपने इस मंथली डिमांड जोन से बहुत ऊपर जा चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक ऑल टाइम फ्रेम का जो मंथली सप्लाई था 2419 से लेकर 4900 का तो इस सप्लाई को 99.9% पेनिट्रेट कर चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या प्राइस एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर हम यहां पर वॉल्यूम्स देखेंगे तो लास्ट टू मंथ का जो वॉल्यूम्स है वो ये शो कर रहा है, वो इंडिकेशन कर रहा है कि स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो बरकरार रहने वाला है। अब यही जानने के लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पर देखते हैं प्राइस एक्शन को। यहां पर देखिए ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में एक बुलिश अप ट्रेंड ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है और लास्ट फोर वीक से जो कैंडल से वो बुलिश बनाते जा रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी यहां पर ट्रेड होते जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे जो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है इस सप्लाई के अंदर ही अभी भी स्टॉक का प्राइस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और फोर वीक से स्टॉक एक अच्छा बुलिश अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था तो क्या ये रिट्रेस होके फिर से इस डिमांड जोन में आएगा जो कि 3516 का है या फिर स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट वीक से 5000 और ऑल टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा लोअर टाइम फ्रेम पे और डेली चार्ट पे हम आ चुके हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है। यहां पर देखिए जैसे कि मैंने बताया किस तरीके से एक बुलिश अप ट्रेंड हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक अच्छा खासा अप ट्रेंड आ चुका है और यहां पर एक हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फर्स्ट इंडिकेशन यहां दिया था, उसके बाद फिर से एक रैली, फिर प्रॉफिट बुकिंग और फिर टू डेज के ट्रेडिंग सेशन के बाद यहां पे हमें आज ये जो कैंडल को मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये एग्जैक्ट एक डिमांड जोन है जो कि इस सप्लाई के अंदर ये सप्लाई अब अगर पूरी तरह से ब्रेक हो गया है, निगोशिएट हो चुका है इस सप्लाई के साथ में तो ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये है एक डिमांड जोन जो कि 4649 से लेके तो 4853 तक है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो प्राइस एग्जैक्ट अपने डिमांड जोन के अंदर आया और वहीं से वो ऊपरी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम लास्ट 10 डेज के वॉल्यूम्स को देखेंगे और आज के ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम देखेंगे तो यहां पर बायर्स अभी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए अग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। अगर आने वाले 2 से 3 डेज तक ये स्टॉक का प्राइस 5250 के आसपास ट्रेड करता है और ऑन रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर प्राइस यहां आता है 4856 तब भी हम इसे बाय कर सकते हैं और अगर आपने यहां कहीं पर इसको बाय किया हुआ है तो जब तक स्टॉक का प्राइस 4845 के अबव रहता है तब तक आप इस स्टॉक में बने रहे। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 4650 के नीचे आता है तो सिंपल सा एग्जिट करके इस स्टॉक से बाहर हमको हो जाना चाहिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और जिस तरीके से जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं और जीडीपी में जो हमें फॉल देखने को मिला है तो हो सकता है कि इकोनॉमी जो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है तो हमें इस स्टॉक में भी आने वाले दिनों में एक फॉल या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेड के मूड में भी
बेस बिल्डिंग बनाते हुए नजर आ सकता है। तो ये था बजाज फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।